मध्य प्रदेश के गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसी के साथ गुना में बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री और सिंधिया के कट्टर समर्थक ने मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने गुना सांसद केपी यादव की अलकमंदी पर सवाल खड़े किए हैं। गुना पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करने पर उनकी अकलमंदी पर सवाल उठाए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि सांसद केपी यादव ने पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन कर दिया। मैं आपसी खींचातान की बात नहीं करूंगा। मेरी जानकारी में है कि 3 तारीख को विदेश मंत्री और माननीय सिंधिया को उस कार्यक्रम में आना था। क्षेत्रीय सांसद होने के नाते केपी सिंह को भी वहां रहना था, लेकिन अचानक ये क्यों घटित हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वहीं जीतू पटवारी की राम यात्रा को लेकर कहा, आज निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और लोकसभा की तैयारियों का आज प्रथम चरण है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हम सबके बीच में हैं और पार्टी के पूरे संभाग के जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग के कार्यकर्ता, क्लस्टर्स के कार्यकर्ता, उन सबका समावेश। अगर भगवान उनको पहले बुद्धि दे देता तो कुछ स्थिति और होती। मुद्दा वो भी उठने लगे हैं, बीजेपी की राह पर चल रहे हैं क्या? चलेगी नहीं तो जाएंगे कहाँ? और आज तक उन्होंने किया ही क्या है? सनातन का विरोधी तो किया है।